मेथी की निमकी बनाने के लिए मैंने एक परात ले लिया है। इसमें पहले सबसे पहले मैं डाल रही हूँ मैदा एक बड़ा कप, उसके बाद आधा कप बेसन और आधा कप सूजी। इसी के साथ मैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और कुछ दाने काली मिर्च के। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमने एक सख्त डो बनाना है, बिल्कुल नॉर्मल पानी से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने डालना है। देखिए हमने इसका बहुत सख्त सा डो बनाया है, इसको 3-4 मिनट तक हम इसी तरह से नीट करते हैं। देखिए इतना सख्त बना है। अब हम इसको गीले कपड़े में लपेट के रख लेंगे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया, अब हम इसको निकालते हैं। देखिए आटा थोड़ा सेट हो गया, इसको हम थोड़ी देर और गूंद लेते हैं, कम से कम 2-3 मिनट तक। अब हम एक पोर्शन ले लेते हैं इसका, बाकी को हम इसी गीले कपड़े से ढक के रख लेते हैं। बेलन में हम थोड़ा सा घी लगाते हैं, सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना हमने। अब हम इसको जितना पतला हो सके उतना बेलेंगे। देखिए मैंने इसको इतना पतला गूंद लिया है, बेल लिया है। अब मैं इसमें पूरे में फोक से इस तरह से छेद करती हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूले ना। अब मैं इन कटर से इसमें शेप दे सकती हूँ, इसमें कोई भी शेप आप दे सकते हो। जैसे मैं इसमें कुछ गोल शेप दे रही हूँ, एक छोटा मेरे पास स्टार शेप भी है। इन राउंड शेप वालों को मैं थोड़ा सा और पतला करके पूरी निमकी की शेप दूंगी इनको मैं। हमने ये काफ़ी रेडी कर लिए हैं बना के, अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल ले लिया है, हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं रखना है। जैसे मैंने ये थोड़ा सा बैटर डाला था तो हल्का सा वो गर्म है तेल, उतना ही हमको चाहिए। अब हम मीडियम रखेंगे इसकी आंच और हम एक एक करके इसमें फ्राई होने के लिए डालेंगे। एकदम गरम तेल में डालेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसको मीडियम आंच में ही बनाना है हमने।
इनमें अगर आपको कोई लगे कि कोई फूल रहा है तो आप उसको फोक से प्रिक करके फ्लैट कर सकते हो। धीमी आंच में उसको अच्छे से हल्का हल्का घुमा घुमा के हमको चारों तरफ से इनको फ्राई करना है। जितने अच्छे से फ्राई होंगे उतना ही क्रिस्प भी बन जाएंगे।